हम चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, है ना। ये व्यस्तता की दुनिया है, रहकर बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। पर सफलता की उड़ान भरने भरने में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को पीछे छोड़ ही आते हैं, और जब छोड़ आते हैं वापस याद करते हैं तो यादों के सहारे जीते हैं, तब लगता है ये नहीं करना चाहिए था। और उस पीछे छोड़ने में हम बंधन या रिश्ते को भी छोड़ाते हैं। रिश्ते बहुत नाजुक होती हैं, एक बार टूट जाती हैं वापस जोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। मैं मानता हूँ तीन ऐसे रिश्ते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमें साथ लेकर के चलना चाहिए, वो है माँ, पिता और शिक्षक का। आज हम दोनों माँ को छोटे से शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करना चाहते हैं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना मेरे साथ रहता है। मैं इन पंक्तियों को प्रभाषित करना चाहूँगा। जब बचपन में हम माँ की गोद में रहते हैं स्तनपान के लिए, तो उस वक्त माँ को बहुत चोट पहुँचती है, लेकिन माँ कभी भी अपने प्यार में कोई कमी नहीं करती है। इसलिए कवि ने कुछ इस प्रकार से माँ को प्रभाषित किया है। चोट खाकर भी हमें खिलाने की ताकत उस परम परमेश्वर ने तुम्हें ही तो दी है। बिना जाने हमारे मन को पढ़ने की शिक्षा उस परम परमेश्वर ने तुम्हें ही तो दी है। जब हम घर से परीक्षा के लिए जाते हैं, तुम दरवाजे के सामने दही सी भरी कटोरी ले खड़ी होकर शगुन बन जाती हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आप लोगों के बीच एक कहानी लाना चाहते हैं। ये कहानी है विधवा माँ और दो बेटों की। पहला बेटा पहले मंजिले पे रहता था, दूसरा बेटा दूसरे मंजिले पे। विधवा माँ 15 दिन पहले बेटे के यहाँ खाती थी और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि जो भी महीना 31 दिन का होता था उसे एक दिन उपवास रखना पड़ता था। इन्हीं हकीकतों और इन्हीं परिस्थितियों में कवि ने बड़ी खूबसूरती से माँ को परिभाषित किया है। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू की बास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों की जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झूल दे दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रूढ़ी है। माँ कलम है, दबात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ भूख से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की करवाहट में अमृत का प्याला है। माँ जिंदगी की करवाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है।
वो माँ की ये कथा अनादि है, वो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ के जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व इस दुनिया में से कम हो नहीं सकता, माँ का महत्व इस दुनिया में से कम हो नहीं सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। हम इन पंक्तियों को माँ के नाम करते हैं, हम इन पंक्तियों को माँ के नाम करते हैं, हम इस दुनिया की सारी माँ को प्रणाम करते हैं।